हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बहुत सिंपल और बहुत इजी पाव भाजी। तो इसके लिए हम लोग एक प्रेशर कुकर में आलू गोभी और मटर ले लेना है। यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया हुआ है। 1 से 1.5 गिलास पानी डालना है और प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा देना है। 2 सीटी में आपकी सब्जियाँ उबल जाएंगी। इसके बाद सब्जियों को मैश कर लेना है। ऐसे आप चाहें तो इसको हाथ से मिला लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई लेना है, उसमें बटर और तेल गर्म कर लेना है। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 हरी मिर्च और 2 प्याज। इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज थोड़ा सा ब्राउनिश सा नहीं हो। फिर इसमें डालें हम लोग 1/2 कैप्सिकम, मिक्स कर लीजिए, एंड 2 टमाटर। टमाटर अब तब तक पकेगा जब तक थोड़ा सा ना सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट लगे, इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। थोड़ी देर फ्राई कर लेना है 2-3 मिनट। फिर इसमें हम लोग डाल देंगे पाव भाजी मसाला, पैकेट वाला। आधा ही डालेंगे, आधा हम लोग बाद में डालेंगे, और थोड़ी देर इसको चला लेंगे। हमारा ना मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, टमाटर अच्छे से पक गया है। तो इसमें अब जो बॉइल्ड और मैश्ड वेजीज था वो डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी जाएगा लगभग 1 गिलास, ताकि जो हमारा भाजी का जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ा सा बहता हुआ सा जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ जाए। 5 मिनट तक इसको ऐसे चला के पकाना है। इसके बाद जो पाव भाजी मसाला बचा हुआ था वो डाल देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी भाजी में थोड़ा और पानी जाएगा तो आप थोड़ा और पानी डाल दो, और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो आ जाए तो इसमें डाल दो कसूरी मेथी और 1 पूरी नींबू का जूस। मतलब पूरी 1 नींबू को काट के अच्छे से निचोड़ लेना है इसमें। और जो लास्ट चीज़ जाएगी, धनिया पत्ता, और थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लो और भाजी तैयार है। अब हम लोग को करना है पाव को टोस्ट। तो उसके लिए एक पैन लेना है। पैन जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उस पर पूरे अच्छे से बटर को लगा देना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क लेना है और धनिया पत्ता छिड़क देना है। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप लाल मिर्च की जगह पाव भाजी मसाला डाल दो। ऐसे पाव को काट लो और फिर रख दो बटर के ऊपर। ऊपर के साइड मतलब उल्टे साइड पे भी बटर लगा लो, ताकि हम लोग जब इसको पलट के सेकेंगे तो दोनों साइड अच्छे से टोस्ट हो। तो अभी पलट पलट के दोनों साइड को अच्छे से टोस्ट कर लेना है, मतलब सेक लेना है। 1 से 2 मिनट पैन पे सेकने से ना हमारा पाव हो जाएगा। दोनों साइड अच्छे से पलट के चेक कर लो और देख लो कि दोनों साइड जब टोस्ट हो गया है, सेक गया है, तो उसको फिर पैन से हटा लेना है और इसको गर्मा गर्म भाजी के साथ सर्व कर लो। किसी को भी ना प्लेट ऐसे सर्व करके दोगे तो उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाना है। तो प्लेट में अच्छे से भाजी निकाल लो, उस पर बटर डाल दो, थोड़ा सा और प्याज डाल दो, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 लेमन स्लाइस, ताकि किसी को खट्टा कम या ज़्यादा लगे तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।